क्लास में और कल हम लोगों ने मैथ्स का अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन। कल हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। आज हम देखेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला है हमारा फैक्टर्स। वो होते हैं कोई भी एक नंबर, कोई भी नंबर को वो किस किस टेबल में आता है वही आपके क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, लाइक 12 है। अब मैं आपसे पूछूंगी इसके फैक्टर्स क्या क्या है, इट मींस ये जो 12 है किस किस टेबल में आता है। तो आपको देखिए, पहली बात आपको ये है कि जो 1 है वो सभी का फैक्टर्स होता है, 1 जो है सभी का फैक्टर होता है। देखिए 1 का मल्टीप्लाई अगर 12 का करेंगे तो क्या आएगा, 12 ही आएगा। तो 1 जो है सभी नंबर का फैक्टर होता है, तो एक फैक्टर आपका हो गया 1। 12 ऑफ किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम आता है, 2 से जब 12। और किस टेबल में आता है, 3 टेबल में आता है, 3 4 जब 12। और किस टेबल में तो नहीं आता ना, तो देखिए 1 आपके एक फैक्टर हो गया, एक आपका 2 फैक्टर हो गया, एक आपका 3 हो गया, ठीक है, एक 4 हो गया, एक 6 हो गया और एक 12 हो गया। आगे देखिए, 12 है वो आपके 1 के टेबल में भी आता है, 2 के में भी आता है, 3 के में भी आता है, 4 के में भी आता है, 6 के में और 12 के में। ये सब नंबर्स क्या है, 12 के फैक्टर्स हैं। यानी ये सारे, ये जो सारे नंबर्स हैं, इन सब नंबर्स के टेबल में, इन सब टेबल्स में 12 आता है, ठीक है ना। तो यही क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स होते हैं। आपको बस सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना है कि वो नंबर जिस किस किस टेबल में आते हैं वही इसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, लाइक 13। अब देखिए 13 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, मैंने आपको क्या बोला, 1 तो हर नंबर का फैक्टर हो गई क्योंकि 1 हर टेबल में आता है। अब 13 फैक्टर्स और क्या होंगे, 13 और किस किस टेबल में आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है, 4 के में आता नहीं है। तो आपको इतना पता होगा कि 13 किस टेबल में नहीं है, तो डायरेक्ट 13 टेबल में आता है। तो 13 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड 13, ठीक है। और देखिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 36 देखिए, 36 किस किस टेबल में आता है। आप देखिए, आपको आप लोग बोलोगे कि मैम 2 का टेबल में 36 हुआ था, ये आप डिवाइड करके देखिए, 36 है, 2 बन जा 2, 1 बचा 6, उतारा 2 8 जा 6, ठीक है, कितने टाइम्स आता है, 18 टाइम्स। इट मींस 2 के टेबल में भी 36 आता है, 3 के टेबल में भी 36 आता है, 4 के टेबल में भी 36 आता है, 6 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी आता है, और किस टेबल में आता है, 18 के टेबल में आता है और 36 के टेबल में आता है, और किस टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो ये 36 के क्या हो गए, फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 6 12 18 36। 1 के टेबल में 36 टाइम आ गया, 2 के टेबल में 18 टाइम्स आ गया, 3 के टेबल में 12 टाइम्स आ गया, 4 के टेबल में 4 9 36 होते हैं, 1 9 हो गया, तो 9 के टेबल में आता है, ठीक है। 6 6 36, 6 टेबल में आ गया, 12 3 36, 12 के टेबल में आ गया, 18 2 36, 18 के टेबल में आ गया, 36 को तो 36, 36 में आ गया, और 9 6 और 9 4 तो 36, 9 के टेबल में आ गया। तो ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए, समझ में आया। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं, देखिए जैसे कि एग्जाम्पल
35 होता है, ठीक है ना? तो 5 35 होता है, 5 7 35 होता है, तो जो 5 जो है, सॉरी 35 जो है किसका मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल है, तो सॉरी ये बोल सकते हैं 5 का मल्टीपल कौन है? 35 है। और 7 का मल्टीपल कौन है? 35 है। आपको एक तरीका और एक निकालने का है, मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू नंबर इनटू होल नंबर। होल नंबर आपको पता ही है, होल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर होल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, यानी कि जीरो से काउंटिंग स्टार्ट होती है, वही आपके होल नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो वो क्या होते हैं? होल नंबर्स। तो आपको नंबर मल्टीपल्स निकालने के लिए अगर आपको ये नहीं समझ में आया मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, अगर आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए, 9 दे दिया जाए, 2 दे दिया जाए, 2 के मल्टीपल्स निकालने कौन कौन से होते हैं? तो हमें मल्टीपल्स यहाँ पे निकालने, नंबर क्या है हमारा 2 है, होल नंबर क्या होता है 1 से, 0 से स्टार्ट होता है तो 0 होगा, और ये क्या होगा 1 होगा, 2 का जो 2, ये क्या हो गया इसका एक मल्टीपल हो गया। दूसरा नंबर, नंबर तो हमारा 2 ही रहेगा, होल नंबर चेंज होते रहेंगे, 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, 2 के कितने होते हैं 4, फिर 2 लिखेंगे 3 आएगा, 2 3 कितने होते हैं 6। तो ये क्या हो गए इसके मल्टीपल्स हो गए। समझ में आया? आपको सबसे इजी तरीका है कि आप जिस भी नंबर का मल्टीपल पूछा जाए आप उसका टेबल्स देख सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि राइट द 5 मल्टीपल्स ऑफ 10, तो आपको 10 मल्टीपल लिखना, सॉरी 5 मल्टीपल्स लिखने होंगे किसके, 10। मैंने क्या बोला, राइट द 5 मल्टीपल्स ऑफ 10, यानी 10 के मल्टीपल्स लिखने हैं कितने, 5, 10 में से 10, 10 टू 20, 10 थ्री 30, 10 फोर 40 एंड 10 फाइव 50। तो ये क्या होगा इसके मल्टीपल्स हो गए। आपसे पूछ लीजिए 6 के मल्टीपल्स कितने हैं, 3, 6 के 3 मल्टीपल्स कितने हैं, 6 1 2 6, 6 2 12, 6 3 18, तो ये क्या होगा इसके मल्टीपल्स हो गए। समझ में आया बच्चों? अब देखिए दूसरी चीज है, क्यों नहीं है, 6 1 के टेबल में आता है, 2 के में भी आता है, 3 के में भी आता है और 6 के में भी आता है।